बिल्कुल सच कहकर गई है रीवा। अगर तू इसी तरह से उस सभी की परवाह करता रहा है ना, तो तेरी जिंदगी में ऐसे ही उथल पुथल मचने वाली है। अगर तुझे अपनी जिंदगी में सुख शांति नहीं चाहिए ना, तो करता रहे ऐसी बेवकूफियां। खड़ा क्या है, जा जाकर रीवा को मना, और कल उसके साथ शादी का जोड़ा लेने भी जाना। अगर किसी की परवाह करनी है ना तुझे, तो रीवा की कर, उसकी खुशियों की कर, समझ ला। तो ये था तुम्हारा जरूरी काम? तुम कितनी आसानी से झूठ भी बोलने लग गए हो, क्यों ऐसा कर भी कैसे सकते हो तुम ईशान? मैं ही बेवकूफ हूं, मेरी गलती है, मैं हर बार तुम पे भरोसा करती हूँ। क्या कुछ नहीं सुनना मुझे, तुमसे कोई बात नहीं करनी। रीवा प्लीज मेरी बात तो सुन, प्लीज। क्या सुनूं? और कोई झूठ बोलना है तुम्हें? सच बोलने की हिम्मत रखते हो? रखते हो तो मुझे ये बताओ कि मेरे साथ मंगलसूत्र की शॉपिंग छोड़कर तुम सभी के घर क्यों चले गए? तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हारी आंखों पे जो ये पछतावे की पट्टी बंधी हुई ना, इतनी कस के भी मत बांधो कि उस लड़की के अलावा तुम्हें कोई नजर ही ना आए। तुम्हें मैं दिखती हूँ? मेरी तकलीफ दिखती है? मुझ पे क्या बीतती है वो दिखता है तुम्हें? महसूस होता है? वो सभी, वो लड़की तुम्हारी केयर, तुम्हारी अटेंशन, तुम्हारी दया पाने के लिए क्या क्या करती रहती है। अब उसे कोई बहाना नहीं मिला ना, तो उसने अपनी बीमारी का बहाना बना लिया और तुमने मान भी लिया। मोनिशा, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, हमारी शादी होने वाली है। ईशान तुम मेरे हो, किसी और के नहीं, इसीलिए प्लीज गैर लड़की के मामले में दखल ना ही दो तो बेहतर होगा।